नमस्कार मित्रों, मित्रों आप ये सोचिए कि ये कहते हैं कि 5 मिनट में संधि, हाँ भाई 5 मिनट में संधि को सीखा जा सकता है। कैसे? सोचिए, जो संधि होती है, अरे जो संधि होती है मित्रों, ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, संधि होती क्या है? अरे भाई जो संधि होती है वो वर्णों का मेल होता है। अरे एक वर्ण से दूसरा वर्ण को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता, वही संधि है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? तीसरा वर्ण बनेगा साथियों। अब तीसरा जो भी वर्ण बने यही संधि का माध्यम होता है। तो कहा जाता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मेरे मित्रों संधि के जो है तीन भाग होते हैं, या संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले जो संधि होती है कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। मेरे मित्रों स्वर संधि के अंदर क्या होता है? अगर स्वर से स्वर को मिलाया जाएगा तो स्वर संधि ही होगी। प्लस के पहले भी स्वर होगा, प्लस के बाद भी स्वर होगा। जब संधि विच्छेद की जाएगी तो वहां पर स्वर संधि होती है। दूसरी बात करेंगे यहां पर हम लोग व्यंजन संधि। साथियों जो व्यंजन संधि होती है उसमें क्या होता है? व्यंजन संधि में या तो पहले स्वर आता है या व्यंजन आता है, या फिर साथियों बाद में स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है। व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है। एक जगह स्वर होगा तो दूसरी जगह व्यंजन होगा, और दूसरी जगह व्यंजन होगा तो एक जगह स्वर होगा, या दोनों ही व्यंजन भी हो सकते हैं। इसलिए मित्रों वहां पर व्यंजन संधि होती है। तीसरी बात हम लोग करेंगे साथियों विसर्ग वाली बात करेंगे। विसर्ग संधि में क्या होता है साथियों? स्वर के बाद में विसर्ग होता है, बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये संधि के प्रकार हैं, आपको इसी तरीके से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं साथियों यहां पर स्वर संधि की ओर। अब स्वर संधि में क्या होता है? आप सबको पता है कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के अंतर्गत स्वर के जो है 5 भेद होते हैं। जो साथियों स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि होती है साथियों, उसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे मित्रों? अरे 5 भेद होते हैं। अब देखिए किस तरह से 5 मिनट में हम लोग संधि को कंप्लीट करते हैं। ये 5 भेद देखिए आप। सबसे पहला जो आता है आपका दीर्घ संधि। अरे दीर्घ संधि के अंतर क्या करते हो आप? दीर्घ संधि में आप पढ़ते हो आ को, ई को और ऊ को पढ़ते हो। बस ये 3 वर्ण आपको पढ़ने होते हैं। कैसे पढ़ने होते हैं? देखो यहां पर अगर आपने लिखा विद्यालय, देखो साथियों विद्यालय यहां पर आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। देखो साथियों ई वाली बात करते हैं, रविंद्र, देखो यहां पर ई आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऊ वाली बात करते हैं साथियों, यहां पर देखो भानुदे, यहां पर देखो बड़ा ऊ आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है साथियों? यहां पर दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि कंप्लीट भाई, थोड़ा इतना सा तो ध्यान रखना है बस। देखो किस तरह से ये मेरे मित्रों विद्यालय, ये विद्यालय वाली बात हो गई तो यहां पर आ है। किस तरह से टुकड़े होते हैं यहां पर? विद्या प्लस आले, देखो आप विद्या प्लस आले, तो यहां पर ये द और यहां पर ये आ, यहां पर अ। तो मेरे मित्रों ये बात ध्यान रखनी है, यहां से अ लिया, यहां से आ लिया, पीछे ल और य है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, ये रहा आ। तो इस तरह से संधि को सीखा जाता है। यही टेक्निक है उन दोनों शब्दों के भी। देखो आगे फिर मेरे मित्रों साथियों आपको सीखना है, और मैं सिखा के रहूंगा आपको कि किस तरह से संधि को सीखा जाता है। गुण संधि की अगर बात करूं तो गुण संधि में ए और ओ को पढ़ा जाता है। मेरे मित्रों किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो वो गुण संधि है। कैसे? इनकी मात्रा होनी चाहिए। कैसे? देखो राकेश, यहां पर ए की मात्रा लग रही है, इसका मतलब गुण संधि है। साथियों परोपकार, यहां पर ओ की मात्रा लग रही है, इसका मतलब कौन सी संधि है? इसका मतलब है गुण संधि है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। अरे नींद में भी बता दोगे आपकी ये संधि है, नींद के अंदर भी ये सोच लेना, ये अगर ए की मात्रा है वहीं से टुकड़े होते हैं, ओ की मात्रा है वहीं से टुकड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है मेरे मित्रों। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि सॉरी यहां पर वृद्धि संधि की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे वृद्धि संधि की। देखो क्या होता है, अरे पहले गुण हुआ था अब वृद्धि कर दो भाई। अगर बड़ा ए लिखा हुआ है या फिर बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो वहां पर वृद्धि संधि है। किसी भी शब्द के ऊपर अगर 2 मात्रा लगी हुई है, कैसे? देखो यहां पर सदैव, यहां पर कितनी मात्रा लगी हुई है? एक साथ 2 मात्रा लगी हुई है, इसकी मात्रा लगी हुई है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। यही से टुकड़े होने चाहिए। इसके बाद में यहां पर देखो वनौषधि, वनौषधि यहां पर देखो मेरे मित्रों एक साथ कितनी मात्रा लगी हुई है? 2 मात्राएं लगी हुई है, तो कौन सी संधि है?
वृद्धि संधि है। तो मित्रों यही सबसे मेन होता है कि ट्रिक आप अपनाइए और सक्सेस हो जाइए। संधि कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। फिर आगे देखिए साथियों, थोड़ी सी बात आपको समझाने की वजह से दो मिनट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पांच मिनट का ही टॉपिक है मेरे मित्रों। फिर यहां पर तीसरे चौथे नंबर पर बात करेंगे यण संधि की। यण संधि में क्या होता है, य और व के आगे, य और व के आगे साथियों आधा व्यंजन आता है। कौन सा आधा व्यंजन आता है, वहां पर यण संधि होती है। अरे कैसे होती है भाई, यही चीज देखनी है। देखो यहां पर अत्यंत, यहां पर देखो ये के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, इसके बाद में अनवे, देखो साथियों व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, यहीं से टुकड़े होने हैं। तो यहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है। यही तो सबसे मुख्य बात है मेरे मित्रों। आगे फिर देखिए पांचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं, पांचवें नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर यह देखने वाली है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, य और व के आगे, य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है। कौन सा पूरा व्यंजन आता है मित्रों, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। देखो कैसे होती है अयादि संधि, यहां पर देखो यहां पर कि मैं ये बताना चाह रहा था कि यण संधि, तो यण संधि में क्या होता है, य और व के आगे आधा व्यंजन आता है तो यण संधि हो जाती है। फिर देखो अयादि संधि में य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है, अयादि संधि हो जाती है। कितनी छोटी सी बात है, देखो नयन, य के आगे आधा व्यंजन है कि पूरा व्यंजन है, पूरा व्यंजन है, अयादि संधि है। फिर देखो पवन, यहां पर देखो व के आगे कितना व्यंजन है, आधा है पूरा है, पूरा व्यंजन है, इसके बाद में अयादि संधि हो जाती है। अरे यही तो संधि है भाई, और क्या है संधि के अंदर। फिर समझते हैं साथियों व्यंजन और विसर्ग संधि की बात हम फिर करेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू मेरे साथियों, थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।